घर की जिम्मेदारियां बहुत बाखूबी निभाई। अब मैं चाहती हूँ कि उस घर की जिम्मेदारियों को भी तुम अच्छे तरीके से निभाना। अरे मम्मी मिठाई खिलाओ, कल हमें चाचा जी ने बैंक बुलाया। अरे सुमन के नाम से एफडी कराने को। मेरे पति तो मेरे घर वालों की नजर में राम बने हुए थे। हम में से किसी को यह आभास ही नहीं हुआ कि मैं गलत लोगों के चंगुल में फंसने जा रही हूँ। मम्मी जी, आपको खाना कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर वो खीर में चीनी थोड़ी सी कम है। ओ, मैं आगे से ख्याल रखूंगी। भाभी, ये गुलाब जामुन तो लाजवाब है, मेरे लिए फिर से बना देना प्लीज। जरूर बना। भैया आप भी तो कुछ बोलो, आपको खाना कैसा लगा? अब भाभी आपकी परीक्षा में पास हुई या फेल? भाई मैं एक बार में फैसला नहीं सुनाऊंगा, पहले 2-4 दिन तक इतना स्वादिष्ट खाना खा लूं फिर बताऊंगा। वाह भैया, क्या घुमा के कान पकड़ा है, खाना पसंद भी आ गया, पर सबके सामने भाभी की तारीफ भी नहीं करनी है। हेलो वसुधा की बच्ची, तूने शादी क्या कर ली, हमें तो भूल ही गई है। क्या जीजा जी तुझे फोन भी नहीं करने देते? चुप कर, भूलती ही जाती है। अच्छा सुन, मैं ना तुझे थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ, यहाँ पे सबको खाना खिला रही हूँ। अरे सुन सुन सुन, अरे वो लास्ट मंथ की स्टॉक स्टेटमेंट वाली फाइल नहीं मिल रही है यार, बॉस मांग रहे हैं। वो फाइल मेरे ड्रॉअर में होगी, देखा तूने? नहीं मिल रहा है वसुधा, मैंने पूरा चेक कर लिया। अब इस वक्त तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, शांति काका को पूछा? अरे उन्हें भी नहीं मालूम यार, अब क्या करें। अच्छा देख, एक बार फिर से खोज ले, मिल गई तो ठीक है, नहीं तो जरूरी हुआ तो मुझे फोन कर देना, मैं ना ऑफिस आके खोज लूंगी। ठीक है मैं देखती हूँ। और सुन, थोड़ा जीजा जी के पहलू से बाहर निकल कर हम पर भी ध्यान दे दिया कर। बस कर अब तो, बाय। आने दो उसे ऑफिस, बताती हूँ फिर। वो ऑफिस से फोन था। ऑफिस? अरे बाप रे, ऑफिस से याद आया, मैं अपने स्टाफ को बहुत जरूरी काम बताना भूल गया। पहले खा तो लीजिए। नहीं ये बहुत जरूरी काम है। मुकेश, दुबई का एक बहुत जरूरी कंसाइनमेंट है, उसकी फाइल आज ही रेडी करो, मुझे आज ही वो कंसाइनमेंट कार्गो कराना है। ये तो बड़ी अच्छी खबर दी आपने, पहले वसुधा की शादी अच्छे से हुई और अब अर्चना को भी नौकरी मिल गई। देखिए शुरुआत कितनी अच्छे से हुई ना, अब आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। सरिता, मुझे अपनी परेशानियां नहीं, मुझे बच्चों की चिंता ज्यादा है। क्यों भला, आपके बच्चे समझदार हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भी समझ रहे हैं, तो फिर
आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है? चिंता तो मुझे लेनी चाहिए, मेरा तो एक ही बेटा है और वो भी एक नंबर का नालायक। क्या बात कर रही हो सरिता, रौनक तो बड़ा सीधा अच्छा और होशियार लड़का है। जब भी कभी घर में आता है सबसे बड़े प्यार से मिलता है। अरे प्यार से मिलने से क्या होता है, सोच भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। ऐसा क्या कर दिया उसने? वो शादी ही नहीं कर रहा है। मैं तो समझा समझा के हार गई, भाई साहब भी समझा के हार गए, लेकिन नहीं, वो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो तो लड़की के नाम से ही भड़कता है, शादी को जी का जंजाल समझता है। अब आप ही बताइए भाभी, ऐसा कहीं होता है? अगर हर कोई ऐसा ही सोचने लगे तो कोई शादी ही ना करे। रीता, रौनक अभी बच्चा है, कोई बहुत ज्यादा उम्र तो हुई नहीं अभी उसकी। हमारे समय में हम ना उसकी उम्र होते होते दो तीन बच्चों के माँ बाप बन जाते थे। पहले की बात और थी सरिता, अब बच्चों की शादियाँ लेट हो रही है। भाई पढ़ते पढ़ते 21-22 के हो जाते हैं, नौकरी ढूंढते ढूंढते बच्ची 26 के, फिर कहीं जाके शादी होती है। अच्छा तो एक काम करना, रौनक को मेरे पास भेजना, मैं उसे समझाऊंगी। ठीक है। अम्मा घर में वेजिटेबल्स खत्म होती, किचन का सामान भी कम होती, मैं जाती और लेकर आती। अच्छा तूने नोट किया ना क्या क्या लाना है? यस अम्मा, मैं नोट करती। 1 kg टोमेटो, 1 kg पोटैटो, 1 kg अनियन। बस बस, मैंने पढ़ने नहीं कहा था मेरी माँ। टेल मी अम्मा, मैं मार्केट जाती? हाँ बाबा जा रही है ना, तो 1 kg सेब लेके आ जाना। ओके ओके, एप्पल। हाँ हाँ एप्पल। ओके अम्मा मैं जाती। ये तुम्हारी विजय सुब्रमण्यम लक्ष्मी है ना, ये तो अंग्रेजी की टीचर लगती है। मुझे लगता 4 बार मैं आऊंगी ना तो इंग्लिश सीख जाऊंगी। सर जी, सर क्या हुआ, फाइल मिली कि नहीं? नहीं सर, मैं अभी फाइल ढूंढ रही हूँ। और सर मैंने वसुधा को भी फोन करके पूछा, बट उसे भी ध्यान नहीं है अभी तक। हट अप, अपनी गलती वसुधा पे मत थोपो। और वसुधा ऑफिस में नहीं रहेगी तो काम नहीं होगा क्या? और तुम लोग ऑफिस में क्या कर रहे हो? सर मैं आपको जल्दी से ढूंढ के देती हूँ। ठीक है ठीक है, खोजो। जी सर। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो बेटी, तुम्हारे मुंह से चाचा सुनके बहुत अच्छा लगा। पर ऑफिस में भी चाचा ही कहना, सर नहीं। जी चाचा जी। सब ठीक तो है ना, मन तो लग रहा है ना वहाँ पे? जी सर। चाचा जी सब बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, मैं जल्दी ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी। वो करिश्मा का फोन आया था, कुछ परेशान है वो? अरे नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम आराम से 1-2 दिन रुक के आना, सारे निकम्मे हैं ऑफिस में। अरे उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि तुम ऑफिस में कितना काम करती हो। पर चाचा जी आपको दिक्कत होगी। अरे कोई दिक्कत नहीं होगी, और हाँ तुम्हारी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है जी चाचा जी। रखूं? जी। खुश रहो।
शिवानी, शिवानी क्या हुआ? ये सब क्या है? ये मुंह क्यों बंद है? बोल क्या है ये सब? क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रही है तू? वो मैं, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे छोटे कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाने में? मेरी बात तो सुनो, वो कॉलेज में टेक फेस्टिवल था ना, तो उसी में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। झूठ मत बोल, मैं भी कॉलेज में पढ़ी हुई हूँ और ऐसी ड्रेसेस कॉलेज में अलाउड नहीं है। अच्छा दी, पूरी बात तो सुनो, फेस्टिवल की नहीं है, वो फ्रेंड्स ने जिद की ना, तो हमने गर्ल्स हॉस्टल में निकाल ली थी। तो किसे बेवकूफ बना रही है? ये सारी फोटो किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने खींची है और तू इसमें खुशी खुशी पोज भी दे रही है। दी मैं सही कह रही हूँ, ये फ्रेंड्स की जिद पे निकाल। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? एक तो तू गलती करती है, ऊपर से झूठ पे झूठ बोलती है। अब मुझे पता चला कि तू दीदी से किस नाम पर पैसे ऐंठती थी। ये शौक है तेरे? बेचारी दीदी, हमारे लिए, हमारी कैरियर के लिए दिन रात मेहनत करके पैसे कमाती है, पर तू पढ़ाई के नाम पर, एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर उनसे पैसे लेती रही झूठ बोलकर। हाँ लेती थी तो इसमें गलत क्या है? दी हर आदमी को अपना प्रोफेशन चुनने का हक होना चाहिए। मुझे मॉडलिंग पसंद है, मैं कमर्शियल ऐड करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैगजीन के कवर पेज पे मेरी फोटोज लगे। जब अच्छे अच्छे बड़े घर की लड़कियाँ ये कर सकती हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि दीदी और माँ को ये कभी पसंद नहीं आएगा। और तूने सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचा ना, दीदी की खुशी के बारे में नहीं सोचा? सोचा, बहुत सोचा। दीदी अकेले घर का खर्च चलाती है, कितनी मेहनत करती है, ये बात मुझे भी तकलीफ देती थी। मैंने सोचा कि मैं कुछ काम कर कर थोड़े पैसे कमा कर उनका बोझ हल्का करूं। और अर्जुन दी, पता है आपको, इस लाइन में ना बहुत कमाई है, एक बार नेम फेम हो जाए ना तो बहुत पैसा मिलता है। ओह, तो अब समझी मैं तू उस दिन कूद कूद कर क्यों बोल रही थी कि मैं महीने के रगड़ रगड़ के पैसे नहीं एक बार में कमाऊंगी। हाँ तो अच्छा है ना, मेरे कमाने से घर में खुशी आएंगी, दीदी को काम नहीं करना पड़ेगा, तो इसमें बुरा क्या है? बुरा है, तूने पूरे घर से झूठ बोल कर किया है। और अगर तुझे करना है ये सब तो दीदी से परमिशन लेके करना। मैंने सोचा पहले कोई काम मिल जाए फिर मैं सबको बता दूंगी। बहुत गलत किया तूने, हम पैसा कमाने के लिए कोई भी लाइन नहीं चुन सकते हैं, कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। माँ दीदी को तेरे झूठ के बारे में पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी, उन पर से तेरा भरोसा उठ जाएगा। मैं मानती हूँ मैंने सबसे छुपा के ये काम किया, लेकिन मेरा यकीन करो अच्छू दी, मैंने घर में खुशियाँ लाने के लिए ये सब किया। मकसद कुछ भी हो, अगर तरीका गलत होता है ना तो हर चीज गलत होती है। मेरी एक बात तू अच्छे से समझ ले, या तो तू ये सब बंद कर दे, और अगर तुझे मॉडलिंग करनी ही है तो माँ और दीदी की परमिशन लेनी ही पड़ेगी, समझी? मम्मी, वैसे भी भाभी को घर में सैलरी तो देनी ही है, अब आज दे या कल क्या फर्क पड़ता है? हेलो भैया। हाँ छोटे बोल। बस ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए फोन कर लिया। वसुधा का घर में मन तो लग रहा है ना? हाँ छोटे, वो बहुत खुश है। अरे उसके आने से तो पूरे घर में रौनक सी आ गई है, और मेरा तो बहुत ख्याल रखती है वो। मैं जानता था वसुधा सबका दिल जीत लेगी। अभी तो शादी के 2-3 दिन ही हुए हैं, और कुछ दिन जाने दो, घर में किसी का भी काम वसुधा के बिना नहीं चलेगा।
सच ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे हीरे को पहचानना कोई तुमसे सीखे। अरे नहीं भैया, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। हम तो सिर्फ माध्यम बनते हैं, बाकी होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। ठीक कह रहा छोटे। ओके भैया रखता हूँ, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। मामा मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, तुम्हें कुछ मंगाना है? नहीं, पर तुम इतनी सुबह सुबह क्यों जा रही हो? ओफो मामा, हर चीज बताना जरूरी है क्या? मामा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। मैं कह रही थी कि क्यों ना हम एक कार ले लें, पैसे तो है ही हमारे पास। वो क्या है ना कि ऐसे रोज रोज गर्मी में ऑटो लेके शॉपिंग करने जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। और तुम भी तो कहीं जाती हो, तुम्हें भी तो कितनी तकलीफ होती है ना। पागल हो गई है क्या तू? अभी से ही एफडी बुनाने लग गए तो तेरे चाचा को शक हो जाएगा। हमें खाना जरूर खाना है लेकिन आराम से, ठंडा करके, जल्दबाजी में अपना मुंह नहीं चलाना है। अच्छा मम्मी, ये एफडी वाली बात भाभी से छुपा के रखनी है ना? और नहीं तो क्या? मम्मी जी, अगर आप अनुमति दे तो आज मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। घर? क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है मम्मी जी। वो क्या है कि आज मेरे अकाउंट में मेरी सैलरी आई है, बस वही जाकर देनी है। वो शिवानी की कॉलेज फीस है, अर्चना की कोचिंग फीस है और घर का महीने का खर्च। हाँ हाँ भाभी जरूर जाइए, वैसे भी शादी के बाद से आप अभी तक घर नहीं गई हैं। अब इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जाएगी। अब मम्मी वैसे भी भाभी को घर में सैलरी तो देनी ही है, अब आज दे या कल क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ बेटी जरूर जाऊं, पर रात तक लौट आना। और हाँ अमर को भी बता देना। जी ठीक है। इसे तो एक दिन का भी सब्र नहीं है, आज ही अकाउंट में सैलरी आई और महारानी जी आज ही चल दी अपने घर वालों को खैरात बांटने के लिए। जाने दीजिए ना मम्मी, कितने दिन, बस 4 दिन की चांदनी है, फिर तो अंधेरी रात ही है। लगता है आज आपको ऑफिस नहीं जाना है। ऑफिस जाना है, जाना है वो 9 बज गए, मुझे समय का ध्यान नहीं रहा, मैं तैयार होता हूँ, है ना? सुनिए ना। हाँ? आज आप ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकते? क्यों? वो मैं माँ के घर जाना चाहती हूँ पैसे देने के लिए। कैसे पैसे? शादी के बाद मैं पहली बार घर जा रही हूँ, आपको देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। मेरे अकाउंट में सैलरी आ गई है,
पूरे घर का खर्चा देना है। मैंने मम्मी जी से बात कर ली है, उन्होंने जाने के लिए कह दिया है। हाँ ठीक है, चली जाओ, पर रात को आ जाना। हाँ मैं चाह रही थी कि आप भी अगर मेरे साथ चलते तो अच्छा होता। मैं शादी के बाद मैं पहली बार घर जा रही हूँ, आपको देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। क्या सोचने लगे? यही कि मैं क्या करूं, अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा तो वहां ढेरों नुकसान हो जाएगा। वो क्या है कि पूरा ऑफिस स्टाफ मुझ पर ही डिपेंडेंट है ना, मैं ही सारा काम का संभालता हूं, और अगर तुम्हें मना करूंगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप ऑफिस जाइए, मैं माँ को कह दूंगी कि आप बाद में कभी आ जाएंगे। हाँ ये ठीक रहेगा, ताकि मैं पहले से सारा प्रोग्राम बना लूंगा और पूरे ऑफिस स्टाफ को अपना अपना काम बांट दूंगा। ठीक है, अच्छा मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ, फिर जाने की तैयारी करती हूँ। ये तो आफत हो गई, मुझे रोज रोज ऑफिस जाना पड़ेगा, पर कौन से ऑफिस जाऊं, कहां जाऊं? अरे जाऊं तो जाऊं कहां? पर जाना तो पड़ेगा। आओ मेरी बच्ची। जीती रहो। अले आओ आओ बैठो। क्या देख रही हो माँ? दामाद जी नहीं आए? अरे पहली बार था, दामाद जी का तो आना चाहिए था ना। हाँ माँ वो नहीं आ पाए, ऑफिस में कोई जरूरी काम आ गया था, पर आप सबसे माफी मांगी है उन्होंने और कहा है अगली बार जरूर आएंगे।